हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10.1। आपको एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा। देखिए, इसके पहले हमने आपके सारे इंट्रोडक्शन में आपको ये बता दिया है कौन सा कोण कितने अंश का होता है, क्या चीज़ होती हैं, सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले आप कोई भी किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर आपको पता होता है तो सारे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया गया है, यदि दो पूरा कोण यानी कि दो कौन से पूरा कोण क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, के बीच का अनुपात यानी कि रेशियो दे दिया गया है 2:3, तो उसमें क्या आपको कोण यानी कि एंगल ज्ञात करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आपको इंट्रोडक्शन इसमें भी आपको करा देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है, पूरक कोण होता है। ठीक है, पूरक कोण होता है, ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ये आपका होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण ये कितने अंश का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपको हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको पॉइंट बताते जाएंगे। तो देखिए, यानी कि आपको क्या दिया गया है, दो पूरा कोण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसका रेशियो क्या है, देखिए आपको क्या गिवन है, रेशियो यह है 2:3, और ये सम पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लेट आपको एक्स निकालना है तो एंगल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोण इक्वल टू में एक्स आप डिग्री लेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2x+3x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इन दोनों जैसे आपने प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू में 90 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू में आप कितना निकल के आ जाएगा, 90/5 में हो जाएगा 5, और जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री आने के बाद तो आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो आपको किसको निकालना था, ये हैं, ये क्या है आपके 2x+3x हैं, ये तो हमने लिखा था यहाँ पास। तो उसके बाद जैसे आपने एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × 18 तो कितना आ जाएगा, 36 यानी 36 डिग्री, और 3 × 18 ये कितना आ जाएगा, 18 × 54 डिग्री। ठीक है, ये आपके दो कोण पता हो जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद आपको देखिए दूसरे नंबर में क्या दिया गया है, यदि दो पूरक कोणों के बीच की अंतर, इस बार क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो देखिए, आप मान सकते हैं लेट एक कोण आपका एक्स डिग्री है एंड दूसरा कोण क्या है, एक्स डिग्री प्लस में 40 डिग्री है, और क्या दिया गया है, सम पूरक कोण। तो आपको सम पूरक कोण क्या होता है, सम पूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप इसमें देखिए कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये एक्स डिग्री प्लस में एक्स प्लस 40 डिग्री, आपको इसकी भी वैल्यू निकालना है और इसकी भी वैल्यू निकालना है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कर दीजिए आप, जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 40 डिग्री इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही देखा आपने कि ये 40 है और ये 180 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, 40 को इधर भेज देना है, तो 2x इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस में 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 140 डिग्री। तो आपको एक्स डिग्री की वैल्यू के एक्स की वैल्यू कितनी पता चल गई, 140/2 हो जाएगा ये, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी पता चल गई, 70 डिग्री। तो देखिए एक का तो आपको मान पता चल गया है, एक्स इक्वल टू में 70 डिग्री, और दूसरा निकालना है तो एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपने एक्स की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ, 70 प्लस
40 डिग्री, तो कितना निकाल के आ जाएगा 110 डिग्री। आपको ये भी पता चल गया और ये भी दोनों कोण आपको क्या हो गए, ज्ञात हो गए। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है आपके, एक त्रिभुज दे दिया गया है देखिए, और उसके बाहर का कोण यानी कि बाम कोण दे दिया है 110 डिग्री, और उसके दो अंतर के कोण विपरीत हैं और बराबर हैं, तब ये कोण ज्ञात करना है आपको, यानी कि एंगल निकालना है। इसमें भी देखिए आपको मान के चलना है कि कोई एक, देखिए यहाँ आपको बताते हैं, एक लाइन है और उसमें एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये देखिए ऐसे करके एक इसमें एक ट्रेंगल बना हुआ है, और इसके यानी कि बाहर यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया गया है, 110 डिग्री दे दिया गया है। तब आपको क्या करना है, ये दोनों कोण आपको क्या करना है, फाइंड कर देना है। ये अपोजिट एंगल आपको क्या करना है, इसके फाइंड कर देना है। आपको सब पता होगा कि ट्रेंगल के अंदर के कोण सभी 60-60 डिग्री के होते हैं, तभी मिलाकर कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, बनता है कि नहीं बनता। तो देखिए आपका ये लाइन भी कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, और 180 डिग्री से आपको क्या करना होगा, 110 माइनस कर देना होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले क्या क्या कर देंगे आपको, इसको भी एक्स और इसको भी एक्स मानना होगा। देखिए सबसे पहले आपको इसको निकालना है, तो क्या कर दीजिए, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी मान लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, ए प्लस 110 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ए की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, 110 डिग्री माइनस 180 माइनस 110, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ए इक्वल टू में 70 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब आपको ये दोनों कोण बताने हैं, तो कैसे आप बताएंगे, देखिए आपने माना कि ये भी एक्स है और ये बी सी भी हमारा क्या है, एक्स है। तो देखिए कैसे रखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, एक्स प्लस इसको क्या मान लिया आपने ए को, ये भी हो जाएगा ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए 2x प्लस ए कितना है, 70 डिग्री इक्वल टू में 110 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, इसको इधर भेज दीजिए आप, 70 हो जाएगा। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, 2x इक्वल टू में 110 डिग्री, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, 110 अपान में 2, तो आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरह से आपको ये करना है। ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए माना कि ये 110 दे दिया गया है ये, ठीक है 110, तो ये 180 होता है, तो 180 से माइनस 110 कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, जैसे ये 70 आया, तो आपको ये दोनों पूछा है, तो वैसे हमने ये इसको कर दिया है, तो देखिए आपको क्या पता चल गया, 55 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया गया है, कह रहा है आपकी एक कोण का यानी एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई आप ये त्रिभुज है, देखिए अच्छे से बनाते हैं पेंसिल से, ये मान लिया आपको एक ट्रेंगल दिया गया है, ठीक है, उसका आपका एक एंगल यानी कि एक कोण बता दिया गया है, माना कि एक ये एक एक्स है, एक्स डिग्री है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया है, अन्य दोनों कोण के योग बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण यानी कि ये दोनों भी एंगल इसके ही बराबर हैं। तो आपको क्या बताना है, इस त्रिभुज यानी कि इस ट्रेंगल का क्या बताना है, नेम बताना है कि कौन सा ट्रेंगल होगा। देखिए हमने आपको बताया है कि जैसे ये तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, समकोण, ठीक है। तो आपको यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है, उसके कोणों का अनुपात यानी कि इसके जो एंगल हैं
उनका रेशियो दे दिया गया है, अनुपात दे दिया गया, 2:3:4 दे दिया गया है। तब आपको त्रिभुज का नाम बताना है। तो देखिए, आपको हमने बताया है कि कोई भी त्रिभुज यानी कोई भी ट्रेंगल होता है, उसकी एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है कि नहीं। तो आपको इसके किस प्रकार रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देना है, 2:3:4 को आपको क्या लिख सकते हैं, 2x+3x+4x=180 डिग्री। ठीक है, ये सब सब डिग्री में ही है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 4 = 9, 9x=180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, 180/9 कर दीजिए तो कितना पता चल जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको x की वैल्यू पता है तो आप इसमें रखेंगे 2x = कितना हो जाएगा, 2 × 20 डिग्री, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 40 डिग्री। फिर 3x = क्या हो जाएगा, 3 × 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 60x। और 4x = कितना हो जाएगा, 4 × 20 डिग्री, तो कितना निकल के आ जाएगा, 80 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये सारे एंगल कितने हैं हमारे, 90 से क्या हैं, लेस हैं, कम है हमारे, 90 डिग्रीज़ क्या है, कम है। तो आपको पता ही है कि जो भी 90 डिग्रीज़ कम होता है तो कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल इसी लिखना पड़ रहा है इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक एंगल दे दिया गया है, ये एंगल का साइन होता है, 110 डिग्री दे दिए, 110 दिया गया है त्रिभुज के। और तब क्या करना है आपको, अन्य दो कोणों के अर्ध सम अर्धकों के बीच का, यानी कि दो कोणों के जो दो एंगल हैं उनका आपको क्या बताना है, ये बता देना है। तब आप उनकी एंगल की वैल्यू बता देना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले आप देखिए एक ट्रेंगल बना लीजिए, तो फिगर से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक ट्रेंगल है, ये मान के चलिए ये हमारा एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में आपको क्या दिया गया है, 110 डिग्री दे दिया गया है एक कोण। ठीक है, ये अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। तो जैसे ही आपने देखा कि माइनस है तो आपको क्या करना है, लेट माना कि हमने एक्स डिग्री कोई हमारा एक कोण है, तो और दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, अंतर में है तो एक्स डिग्री -110 डिग्री। आपको ट्रेंगल के अंदर का कोण तो पता ही होगा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, x-x-110 डिग्री हो जाएगा =180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे x x आपके क्या कर देंगे, 2x हो जाएंगे, -110 डिग्री = 180 डिग्री। ठीक, और ये 180 इधर जाएगा तो 2x = 180 + 110 डिग्री, क्योंकि माइनस से हमारा प्लस में हो जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, देखिए 0, 9 और 2, यानी कि 290 डिग्री। तो 2x = में कितना है, 290 डिग्री। तो x = में क्या हो जाएगा आपका, 290/2, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1, 4 और 5, यानी कि 145 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू कितनी पता चल गई, 145 डिग्री। तो आपको यही वैल्यू निकालना था, यही आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि ये हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी कि कोण क्या होता है। तो कोण देखिए सबसे एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसको बुक से भी कर सकते हैं, परिभाषा आपको हम समझा दे रहे हैं सिर्फ। कि कोई भी देखिए एक लाइन, दो लाइन खींच लीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वही क्या होता है, कोण होता है। उसके बाद एक कोण को अभ्यंतर, एक कोण का अभ्यंतर। तो देखिए सेकंड नंबर में कोई भी आपका एक एंगल दिया है ए बी सी, अब अभ्यंतर पूछा गया, अभ्यंतर का मान के चलिए कोई यहाँ पॉइंट कोई है डी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देना है, और जो इसके अंदर के जो एंगल बने
वही क्या था, अभ्यंतर होता है। और जैसे कह दिया जाए उभय अंतर मतलब बाहर, तो बाहर का आपको बता देना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, इसी में थर्ड पार पूछ रहा है न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण तो अभी हमने बताया आपको, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है। देखिए कोई भी एक एंगल बना दीजिए, ये क्या है हमारा 90 डिग्री से क्या है, कम है कि नहीं, ये 90 डिग्री होता है हमारा 90 अंश, इससे कम क्या होता है न्यून कोण होता है। इसकी आप परिभाषा अपने बुक से लिख लीजिएगा। और अधिक कोण क्या होता है, जो क्या होता है कि 90 से क्या होता है, देखिए फोर्थ नंबर है, अधिक कोण क्या होता है, कोई मान लीजिए एक ट्रेंगल है ऐसे करके 120 डिग्री का मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है ए बी सी, तो न्यून कोण क्या होता है, तो हमने बता दिया 90 अंश। और अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो, मान लीजिए ए बी सी हमारा 90 से बड़ा है और क्या है 180 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं फोर्थ नंबर को कि 90 डिग्री से हमारा ये क्या है बी ए सी बड़ा है, तो ए बी सी हमारा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से क्या है छोटा है। इस तरह आप इसको हिंदी में परिभाषित और इंग्लिश में परिभाषित कर सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं। और फिफ्थ नंबर में समपूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो 180 डिग्री का होता है, मान लीजिए दो एंगल दिए हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये फिफ्थ, मान लीजिए ये 120 डिग्री का हो गया हमारा और ये हमारा कितना 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं आपको, इसको ए मान लीजिए, इसको बी सी डी, तो क्या हो जाएगा ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री प्लस में 120 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा सम पूरक कोण। और पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री पूछ रहा है। सिक्स नंबर में क्या कर है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल लिख देते हैं पूरा, तो कितना हो जाएगा, देखिए माना कि हमारी ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें भी आप दो कोण मान लीजिए, ये मान लीजिए 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है, तो जैसे आप लिखा ए बी सी, इसको मान लो डी है डी, तो ए बी डी, ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 90 डिग्री आना चाहिए, तो देखिए 45 डिग्री का ये भी है प्लस 45 डिग्री का ये भी है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा पूरक कोण। देखिए आप इसकी डिफिनेशन अपने बुक से लिख लीजिएगा जिस प्रकार लिखना हो। और क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझाते हैं, कौन सा कोण स्वयं को कोटि पूरक कोण कहता है। देखिए कोटि पूरक तो यही हमारा क्या कहता है 45 डिग्री ही कहता है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा कोटि पूरक हमारा 45 डिग्री ही कहता है। और उसके बाद क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कौन सा कोण स्वयं को समपूरक कोण कहता है। समपूरक मतलब जो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से बने वही क्या होते हैं 180 डिग्री, यानी कि समपूरक कोण है, तो आपको क्या कहते हैं 90 डिग्री ही समपूरक कोण कहता है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। और उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी सारी डिग्रियाँ पूछी गई हैं, तो देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी सारी डिग्री निकालनी है, तो देखिए एकदम इजी तरीके से आपको निकाल के दिखाते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में प्रत्येक समपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक जो ये सारे एंगल दे दिए गए हैं यानी कंप्लीमेंट्री एंगल से आपको निकालना है। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल एंगल ये कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आपने देखा कि 180 डिग्री है, इसको आपको क्या करना है पूर्ण करना है, जैसे 54 है तो इसको आप पूर्ण कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाते हैं आपको। माना कोई एंगल आपका क्या है x डिग्री है और ये कितना है 54 डिग्री इक्वल टू में कितना है आपका 180 डिग्री रख देंगे क्योंकि कंप्लीमेंट्री पूछ रहा है, और x डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो कितना निकल के आएगा x डिग्री आपका 6 इधर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4, सॉरी देखिए 180 और इस तरह आपको सब्ट्रैक्ट करने में इजी होता है, इधर 2 इधर 1 कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा आपका।
आप जैसे 126 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 180 बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर आपको बताते हैं। सेकंड नंबर में कोई भी एंगल मान लीजिए x डिग्री है, ठीक है, और उसके बाद प्लस आपको 130 डिग्री तो दिया ही है, इक्वल टू में रख दीजिए 180 डिग्री, ठीक है, और x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x डिग्री आपको कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो जैसे आप 50 रख देंगे इसमें तो आपके ये कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपने मन से कर लीजिएगा। जैसे आपने वहाँ यहाँ 130 रखा है, 130, तो आपको 172 रख देना है, 172 से 180 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे जितना भी आसान तरीके से हो पाएगा आपको हम सिखाएंगे, और आप सीखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्या रहा है, प्रत्येक कोण यानी कि एवरी एंगल को आपको क्या करना है, पूरा कोण में बदलना है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल था। संपूरक क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है इंग्लिश में, देखिए हिंदी के चक्कर में ये भी गलत हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी आपसे, ठीक है। और ये हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमने बहुत रेयर मिस्टेक कर दिया है, इसके लिए आपसे वेरी वेरी सॉरी। देखिए हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और इसमें आपको सबसे पहले क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 77 डिग्री दे दिया गया है। आप इसको 90 कैसे बना सकते हैं, कि इसमें आपको कुछ ऐसे प्लस करना होगा कि आप ये 90 बन जाए। तो कैसे बन जाएगा ये 90, देखिए माना कि कोई एंगल क्या है हमारा, लेट एक्स डिग्री आपको मान लेना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स डिग्री प्लस 77 डिग्री इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्स डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, देखिए एक्स डिग्री इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 13 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, क्योंकि आप ऐसे 13 इसमें जोड़ेंगे तो ये कम्प्लीट एंगल बन जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया गया है, 65 डिग्री 10 मिनट और 20 सेकेंड। देखिए जो डबल डैश लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिनट होता है, और इसका मतलब डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू में क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट तो आपको पता ही होगा 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या 90 अंश पूछ रहा है, 90 डिग्री पूछ रहा है ना, ये आपको दिया गया है और आपको 90 अंश इसको बनाना है, तो आप किस प्रकार बनाएंगे, देखिए 90 डिग्री है ये, है कि नहीं। अब 90 से यदि हम एक माइनस कर दें, जैसे 90 से आपके एक माइनस कर देंगे, जैसे 90 डिग्री है, आपने एक माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 89 डिग्री। अब जो एक आपने माइनस किया है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप एक डैश लगा सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी देखिए हमारा मिनट से काम नहीं चलेगा, सेकेंड में आना होगा। तो यदि आप सेकेंड से मिनट से 60 मिनट से आप अगर एक सेकेंड माइनस कर दें तो आपको कितना बचेगा, 59 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए एक माइनस किया तो आपको 59 मिनट, और अगर 60 सेकेंड इसमें जोड़ दें तो पूरा एक घंटे के बराबर नहीं 60 मिनट के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 60 सेकेंड जोड़ने के बाद। तो इस तरह हम आपको ये इसमें लिख के बताते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 89 डिग्री, और इसमें से एक हमने माइनस किया है तो कितना हो जाएगा, 59 मिनट, और सेकेंड कितना है, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड तक आपको काम चलाना है। तो आप देखिए इस इक्वेशन को आप समझ लीजिए, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आ सकता है, इसके बहुत ही चांस होते हैं, ठीक है, इसको आपको ये वैल्यू लर्न करना है। तो अब सबसे आप देखिए एकदम इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, मान लिया कोई लेट एक्स इक्वल टू में कोई एंगल है, अब आपको दिया क्या गया है, 65 और 10 डिग्री 10 मिनट और 20 सेकेंड। तो क्या कर दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप, एक्स डिग्री प्लस
65 डिग्री 10 मिनट और 20 सेकेंड इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है, डबल डैश का मतलब सेकेंड होता है। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। आप इसको किस तरह माइनस करिएगा, देखिए देखिए आपको यहाँ माइनस करके दिखाते हैं अच्छे से। 89 डिग्री है, 59 मिनट है और 60 सेकेंड है। आपको माइनस क्या करना है, ये वैल्यू माइनस कर देना है आपको। तो 65 मिनट के नीचे मिनट और 10 सेकेंड के नीचे सेकेंड रखना है और 20 सेकेंड के नीचे सेकेंड, मिनट के नीचे मिनट। यहाँ कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 49 मिनट। और यहाँ कितना आएगा, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, 24 डिग्री। देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिग्री 49 मिनट और 40 सेकेंड। यही आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही क्या होगा आपको फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम सेम इसी तरह है, क्या दिया गया है, 48 डिग्री 59 मिनट और 42 सेकेंड दे दिया गया है। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर वाले किया है उसी तरह इसको भी कर देना है। लेट एक्स डिग्री है कोई आपकी, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स डिग्री प्लस में 48 डिग्री 59 मिनट और 42 सेकेंड। ये हमारा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये देखिए 90 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं, पूरा कोण के बराबर। तो पूरा कोण हमारा ये, इस बार इसको लेंगे, हमने बताया ना आपको ये वैल्यू लर्न करना होगा, तो आप इसमें रख दीजिए 89 डिग्री 59 सेकेंड और 59 मिनट और 60 सेकेंड डबल डैश। तो आपको एक्स डिग्री चाहिए तो क्या हो जाएगा, 89 इसमें से आपको माइनस करना होगा, ये देखिए हमने यहाँ माइनस नहीं लिखा था, 65 डिग्री 10 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। आप इस तरह लिखेंगे इसको और क्या हो जाएगा, डिग्री में है और ये 59 मिनट में है और 60 सेकेंड है। अब इसको माइनस करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 48 डिग्री 59 मिनट और 42 सेकेंड है, ठीक है। जैसे आप माइनस करेंगे, देखिए यहाँ फिर से आपको माइनस करके दिखाते हैं एकदम इसी प्रकार, 89 59 मिनट और 60 सेकेंड से आपको करना 48 59 मिनट और 42 सेकेंड। देखिए सेकेंड के नीचे सेकेंड, मिनट के नीचे मिनट लिखना है आपको। तो कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 5, बचेगा यहाँ 4, यानी कि 18 सेकेंड 0 मिनट और यहाँ 1 और यहाँ कितना जाएगा 41, ठीक है, 41 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 41 डिग्री 0 मिनट और 18 सेकेंड। इस तरह आप इसको लिखेंगे और ये डबल डैश लगाना मत भूलिएगा, इससे आपका आंसर गलत हो सकता है। आप इस तरह इसको लिखिएगा, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह क्या दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया गया है, यदि एक कोण उसके पूरक में से 10 का अंतर है, ठीक है, कितने 10 डिग्री का अंतर है, तो आपको क्या करना है, कोण यानी कि एंगल फाइंड करना है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो देखिए इसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि एक कोण यानी कि आपको एक एंगल दिया गया है, कितने डिग्री दिया गया है, 10 डिग्री दे दिया गया है, और ये पूरक में 10 का अंतर है, पूरक में यानी कि पूरक कोण कितना होता है, 90 अंश का, ठीक है। आपको बताया हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल, इस बार नहीं भूलना होगा, उस बार गलती हो गई थी, कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है, ये अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या करना है, माना यानी कि लेट एक्स डिग्री, कोई एंगल हमारा कितना है, एक्स डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल का साइन होता है, ये हमारा एक्स डिग्री है। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स डिग्री और ये हमारा 90 से कम है, यानी कि कोई पूरक कोण यानी कि अंतर वाला कोण क्या हो जाएगा, अंतर वाला कोण कितना हो जाएगा, डिफरेंस एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक्स डिग्री माइनस
90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री आपका दिया गया है, उस तरह हमने आपको इसको एकदम लिख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री माइनस है कि नहीं, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, इसे माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, और ये माइनस इसमें आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में एक्स डिग्री इक्वल टू में 10 डिग्री आपको दिया है, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स मिलाकर कितना हो जाएगा, 2x माइनस में 90 डिग्री इक्वल टू में 10 डिग्री। तो आप इसको यहाँ लिखिएगा यदि आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए वेरी वेरी सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 2x डिग्री इक्वल टू में देखिए 10 है तो 10 और माइनस का 90 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 10 डिग्री, ठीक है। तो 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 100 अपान में 2 कर देना है आपको, तो x की वैल्यू कितनी चाहिए आ गई है 50। जैसे आपने 50 में 2 का भाग दिया तो 100 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बने रहिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ के ही जाना है। यदि आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर कैसे करना है आपको, दिया गया है यदि एक एंगल दिया है कितना है, 2x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, और एंड दूसरा है x माइनस में 5 डिग्री, और ये पूरा कोण, यानी कि पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण में है कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, जो हमारा x लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है इनको। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2x माइनस में 10 डिग्री प्लस x प्लस में 5 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रखना है, पूरा कोण है, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 डिग्री प्लस में x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू में कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। देखिए 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और ये कितना है, x माइनस सॉरी 5 था, ये देखिए हमारा 5 लिखा था, यहाँ प्लस कर दिया है, x माइनस प्लस माइनस था, तो माइनस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 डिग्री इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। आपको ये प्लस माइनस एकदम ध्यान से लिखना है, यदि हमने गलत कर दिया तो आपको अपने मन से सही करना है, कहीं कहीं गलती हो जाती है, यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो आपको ध्यान से ही करना है। देखिए कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू में 90 डिग्री, और ये माइनस का है तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आपका 3x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 14 यानी कि 15 डिग्री है ये। देखिए कितनी गलतियां हो रही हैं आज, पता नहीं क्या हो गया है, एक तो एरोप्लेन उड़ के जा रहा है ऊपर से तो और गलतियां हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ फिर से लिखते हैं आपको, 2x माइनस में 10 डिग्री प्लस में x माइनस में 5 डिग्री इक्वल टू में कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए इन दोनों को प्लस किया तो 3x, इन दोनों को प्लस किया तो माइनस का 15 डिग्री इक्वल टू में 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू में 90 डिग्री प्लस में 15 डिग्री हो जाएगा, तो थ्री एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 105/3, तो कितना, 3 × 9 = 3 = 15 यानी कि 35 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका, 35 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो ही पूछा था तो हमने बता दिया, इसको आप काट सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहा गया, 14 नंबर में कि एक कोण का समपूरक, तो आप किसको किस तरह लिख सकते हैं, समपूरक कोण, समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, आप इसको क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है, और उसके पूरक के 3 गुना बराबर। तो आपको पूरक इसी तरह लिख देना है, पूरक कोण और कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, किसके बराबर है, 3 गुना बराबर, इसके ये 3 गुना बराबर। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करा देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस x डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9 सॉरी यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 270 डिग्री माइनस में 3x। ठीक है, 3x डिग्री होगा। ओके, अब देखिए 270 को इधर ले आइए या तो इसको उधर ले जाइए, तो ये माइनस का x है और ये माइनस का x इधर आएगा, x वाले एक तरफ, तो माइनस का 3x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 3x। ठीक है, और इधर 270 तो रहने दीजिए ऐसे ही, और ये 180 इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको, 3x को हम इधर ले आए, x की तरफ x ले आना है और जो 270 डिग्री है डिग्री की तरफ डिग्री ले आ जाना है, तो डिग्री हम इधर ले आए माइनस में चली जाएगी तो कितना आ जाएगा इधर 2x, और इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 270 से 180 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, तो x डिग्री आपको कितना हो जाएगा 90 अपान में 2, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यही आपको क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप एकदम फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नोट भी करना पड़ता है इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। दो सम पूरक कोण यानी कि टू एंगल दिए गए हैं, इसका रेशियो कितना है यानी कि अनुपात 3:7 है। देखिए सबसे पहले हमने इस तरह क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या दिया था, पूरक दिया था, इसमें सम पूरक दिया है। सम पूरक का मतलब क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको आप बना लीजिए 3x, इसको बना लीजिए 7x, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 7x इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू में 180 डिग्री अपान में 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देना है तो आपका 3 × 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री, 18 × 54 और 7 × 18 डिग्री कितना हो जाएगा 18 × 18 = 90, 18 × 7 = 126 डिग्री। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में जहां आपको कराएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और जो बच्चों को नहीं आता है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।